तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, करते हो मुझे पूरा यकीन आप करोगे। तो बिग बॉस से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा शो जिसके बाद कंटेस्टेंट निकलते हैं, वो जाते हैं, पहले होस्ट इन्हें करण वाही हो, आर जे अनमोल हो, या फिर काफ़ी लोगों ने किया है, तो हमें भी वहाँ पे जाने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आप जाके हमारे इंस्टा पे देख सकते हैं, बिग बॉस के काफ़ी शो के अंदर हमने भी पार्टिसिपेट किया है। जब कंटेस्टेंट घर से बाहर आते थे तो हम उनसे सवाल पूछते थे। अनवर स्पेस रंगरी 7 इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, जाके ज़रूर फॉलो करना। तो बता दें कि यहाँ पे बिग बॉस के अंदर ऐश्वर्या क्या करना चाह रही थी। ऐश्वर्या से कुछ सवाल पूछे दादी ने, और दादी ने पूछा कि बताएं घर के बारे में कि कौन है फेक और कौन है रियल। तो उन्होंने मनोहर फारूकी का नाम लिया, साथ के साथ मनोहर फारूकी से जो उनकी खुंदस थी, जो काफ़ी दिनों से उनकी नोकझोंक चल रही थी, उन्होंने ये भी कहा मनोहर फारूकी के लिए कि मनोहर फारूकी स्टैंड नहीं लेते किसी भी मुद्दे में, और उनको थोड़े से खोए हुए से लग रहे हैं जब से आयशा घर के अंदर आई है। और साथ के साथ उन्होंने बाकी लोगों पे भी अपनी भड़ास निकाली, ज़्यादातर उनकी जो भड़ास थी वो निकल रही थी ईशा पे, क्योंकि ईशा को जो पावर मिली थी, जो कप्तानी वाली पावर मिली थी, जो बिग बॉस दिखा रहे थे कि निकालो अनुराग को, लेकिन वो कह रहे थे नहीं अनुराग को नहीं निकालूंगी, अनुराग तो मेरा दोस्त है। वहाँ पे अभिषेक पूछ रहे दोस्ती कब हुई आपकी, और वो कह रहे नहीं मैं निकालूंगी मेरे दुश्मन को। तो यहाँ पे उन्होंने ऐश्वर्या को निकाल दिया घर से बाहर, तो भड़ास तो बनती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मनोहर फारूकी के लिए कह के कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है कि ऐश्वर्या ने कहा कि वो अपना स्टैंड नहीं लेते, वो फेक गेम खेल रहे हैं। आयशा के खाना आने के बाद से वो उन्हीं के साथ 24 घंटे रहते हैं, मतलब 24 घंटे तो ज़्यादा हो गए, 12-13 घंटे साथ रहते हैं, और साथ के साथ वो गेम नहीं दिख रही जो मनोहर फारूकी स्टार्टिंग में दिख रही थी। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या मनोहर फारूकी आपको भी फेक दिख रहे हैं? क्या वो किसी मुद्दे पे स्टैंड नहीं लेते? क्योंकि हम जब एपिसोड चलाते हैं तो हमें तो एपिसोड में मनोहर फारूकी दिखता है, और ये जो बिग बॉस 17 है मनोहर फारूकी शो बन के रह गया जैसा कि हमें दिख रहा है। अब ऐश्वर्या को क्या दिखा, क्या दिक्कत है, वो तो उनका देखा ही है कि बिग बॉस के अंदर काफ़ी उन्होंने भड़ास निकाली है दादी के पास बैठ के, कृष्णा के पास बैठ के, कि ये था वो था, बहुत से चीज़ें कही हैं। और वो विनर जो देखती है वो देखती है नील को। आप कमेंट करके बताएं कि आपकी इस मुद्दे पे क्या है राय। अब उन्होंने नाम ले दिया विनर का, तो भाई नील भी बन सकते हैं विनर, मैं यही कह सकता हूँ। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बताएं आपको कौन लगता है बिग बॉस 17 का विनर। हम थोड़ी देर में लाइव आ रहे हैं क्योंकि बिग बॉस ने भी पूछ लिया है कौन है घर के अंदर स्ट्रॉन्ग और कौन है वीक, जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पे उस पर आ गया लिखा हुआ, तो उसी मुद्दे पे करेंगे लाइव। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, और बताएं कि आपको भी क्या लगते हैं कि मनोहर फारूकी फेक है।